नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त मैं हूं रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या का ये धर्मपथ है और देखा जाए तो इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में बेहद खास रहा, जहां पर एक साथ 25 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए तो सरयू आरती में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। हालांकि दियों की गिनती कुछ लोगों के लिए गिनती हो सकती है, लेकिन ये उन बलिदानियों की खास निशानी है जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया इस आंदोलन में, मंदिर को बनाने में, जिन्होंने मंदिर का सपना देखा। हालांकि उनका सपना साकार हुआ तकरीबन 500 सालों के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात यह है कि 500 सालों के बाद जब भगवान अपने घर में विराजित हुए, उसके बाद की ये पहली दिवाली है, तो जाहिर सी बात है कि ये दिवाली अपने आप में बेहद खास हो जाती है। चूँकि इस वक्त धर्मपथ पर हूँ मैं, तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि पहले की दिवाली में और अब की दिवाली में उन्हें क्या नज़र आता है, क्या फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि अगर हम साल 2017 की बात करें तो अयोध्या में बहुत कुछ बदल चुका है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, दरअसल ये बहुत पतली सड़क पहले हुआ करती थी, लेकिन इसको 4 लेन कर दिया गया है, और जो खूबसूरती, जो रंगत इस वक्त आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी, पहले शायद ऐसी रंगत देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि ये वो जगह है जो बदहाली के कगार पर खड़ी हो गई थी। लेकिन 17 के बाद अयोध्या की किस्मत पलटी, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अयोध्या का पुनर्निर्माण शुरू किया गया। और ना सिर्फ धर्मपथ, बल्कि चाहे भक्ति पथ की बात करें, जन्मभूमि पथ की बात करें, या फिर राम की पैड़ी की बात करें, इन तमाम जगहों का एक बार फिर से नवनिर्माण कराया गया। और आज कह सकते हैं कि अयोध्या अपने पुराने वैभव को एक बार फिर से समेटे नजर आ रही है। सीधे लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी सर, हम राजस्थान से आए हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर से आए हैं आप सर? जी सर। तो आप लोग पहली बार आए या पहले भी आ चुके? जी सर, हम पहली बार ही आए हैं आज। पहली बार, लेकिन अयोध्या के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। जी सर, बहुत कुछ सुना है अयोध्या के बारे में, बहुत कुछ जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत खुशी हो रही है हमारी को कि 500 वर्ष में पहली बार ऐसी दिवाली मनाई जा रही है। कुछ दिनों से हमारी बहुत कुछ इच्छा हो रही थी कि यहाँ दीपावली मनाई जाए, और हमारे को यहाँ का नज़ारा जो दिख रहा है वो बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत यहाँ आकर के बहुत कुछ खुशी मिल रही है हमारे को। फ़र्क नहीं बता सकते कि पहले की दिवाली कैसी होती थी और मैं आपको, लेकिन फिर भी जब आप पहली बार आए, कैसी लगी यहाँ की दिवाली? इस बार मन उल्लास से भरा हुआ हमारा, ये सारा प्रोग्राम देख के मन उल्लासित हो गया। हम सरयू नदी में भी नए, मन पवित्र हुआ और अब प्रोग्राम देख के मन उल्लासित हो गया। ऐसी दिवाली आपको कहीं और देखने को मिली है भारत में? ऐसी तो नहीं देखी, इसके अलावा भी हमने जयपुर में भी देखी है और अलग स्थान पर देखी, ऐसी दिवाली कहीं नहीं देखी। कभी आपके राजस्थान में जब अयोध्या का जिक्र होता होगा, क्या लोग सोचते हैं, क्या बोलते हैं अयोध्या के बारे में? पहले तो कुछ बात होती नहीं थी, क्योंकि अयोध्या का नाम ही नहीं सुनते थे, इसका नाम ही गायब था, जो गायब हो गया, जो फैजाबाद बताया जा रहा है इसका नाम। हमें तो अब पता चला अयोध्या नाम की चीज़ भी भारत में है, जब इसका नाम बदला गया। हम तो ये सोचते थे अयोध्या काल्पनिक है, जो हमें फिल्मों के द्वारा या फिर टीवी या जो बाशरों में ये कहा जाता था। आपको ये लगता था कि अयोध्या काल्पनिक है? जो बाकी सब बताते थे अयोध्या काल्पनिक है, कि बोले कि ऐसा कोई शहर ही नहीं है, जब इन्होंने नाम बदला जब तब पर जाके पता चला कि वास्तविकता है ये। कहाँ से हैं? अयोध्या से। नाम, आप क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम, ये बताइए, मेरे ख्याल से आप वॉलंटियर भी हैं। जी जी। आपने दियों को लगाने का काम? जी। शिवम, चूंकि आप तो बचपन से यहाँ की दिवाली देखते आ रहे होंगे, पहले की दिवाली में और अब की दिवाली में क्या फर्क नजर आता है आपको? पहले की दिवाली में हम घर पे ही मना लेते थे और जानते भी नहीं थे क्या कैसे क्या प्रोग्राम होता था। हमारे पूर्वज भी बताने में असमर्थ थे, आने वाली पीढ़ियों को, हम लोगों को, हमारी वजह से साथियों को नहीं बता पाते थे। लेकिन अब की दिवाली में जो बाबा आदित्य योगीनाथ जी करवा रहे हैं, वो छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक यादगार दिवाली, और हमारे राम जो सदियों से हैं, आने वाले जो नौजवानों कोई भी हो जो भूल रहे हैं, जान रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलेंगे, अपनी संस्कृति को याद रखेंगे, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने सहपाठियों को भी बताएंगे कि हमारे राम हैं, हमारे आराध्य हैं और हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी आन है, हमारी बान है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, पृथ्वीराज इनका नाम है, राजस्थान से आए हैं। इन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। इनसे जब मैंने अयोध्या के बारे में पूछा तो इन्होंने, सोचिए कि इन्होंने ये कहा कि पहले इनको लगता था कि अयोध्या सिर्फ एक काल्पनिक जगह है। मतलब अगर अयोध्या काल्पनिक है तो यहाँ के लोग भी काल्पनिक होंगे, तो इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, कि जिसने अयोध्या को भुला दिया, अयोध्या जैसे शहर को, कि इतना बड़ा, इतना विख्यात नगर, जिस नगर की पहचान भगवान राम से है, जो सनातन की पहचान हो, अगर उसकी पहचान ही कभी खो गई थी, उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं?
देखिए जिम्मेदार हम किसी को मानने के लिए या ठहराने के लिए किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति को उठाया, जिन्होंने दिखाया, प्रचार किया, फैलाया, ये कोई नई संस्कृति नहीं है, ये बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति है। जो और सारे धर्म हैं, मैं किसी के धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो थे लेकिन ये आदि से है और आरंभ से है और अनंत तक रहेगी। ये संस्कृति माननीय आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा पूरे विश्व में ये दीप उत्सव जो है पूरे विश्व में यह संदेश दिया जाएगा कि भगवान राम हैं और थे और रहेंगे। लोग हैं, आप कहाँ से हैं? बिहार से। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष, ये बताइए कि आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले आ चुके हैं? इससे पहले 5 साल पहले आए थे। अच्छा, उस टाइम उत्सव पर ही आए थे या फिर ऐसे ही? दीपावली में ही आए थे। जी, तो हालांकि तब भी दीपोत्सव मनाया गया होगा 5 साल पहले, क्योंकि 8वां दीप हाँ मनाया। आपको लगता है कि भव्यता और ज्यादा बढ़ी है दीपोत्सव? बहुत ज्यादा बढ़ी है। उस टाइम तो कुछ नहीं था, उस टाइम मंदिर भी नहीं बना था जिस टाइम हम आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइम देखे बहुत अच्छा लगा। दिवाली बहुत अच्छा, जो काम वाम हुआ है, सड़कें बनी हैं जिस तरीके से, ये देखिए आतिशबाजी भी, देखिए इसी दौरान चूंकि जो सरयू का पुल है वहाँ पर आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, और ये गजब की आतिशबाजी होती है। चूंकि मुझे याद है कि 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो इसी राम की पैड़ी पर चूंकि तमाम मेहमान बैठे थे, और जब आतिशबाजी हो रही थी तो काफ़ी देर तक सारे मेहमान इस आतिशबाजी को निहारते रहे। आपके पास आ रहा हूँ मैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे पोस्टेड हूँ। और हैं आप पोस्टेड? हाँ, वर्तमान में हूँ, ये मेरा राजस्थान सरकार का है। जी जी, बोलिए सर। प्रकाश जी, आप साइकिल चला कर रहे हैं क्या वहाँ? जी सर, हाँ, मैं सीकर राजस्थान से 900 किलोमीटर की दूरी 4.5 दिन में कल शाम को यहाँ पहुँच गया था रामचरणों में। मतलब साइकिल से? मेरा उद्देश्य है हर व्यक्ति के अंदर राम है, आप में भी है, मेरे में भी है, इनमें भी है। राम सिर्फ मंदिर में नहीं है, सब में राम है। और जब प्रभु राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल जा सकते हैं तो मैं सीकर, शेखावाटी, सालासर और खाटू श्याम की धरा से यहाँ साइकिल से क्यों नहीं आ सकता? ये साइकिल से आना पर्यावरण के प्रति जागृति भी पैदा करेगा। ये युवा मोटरसाइकिल के कान मरोड़ते हैं बेटे, एक सिर्फ ये जयकारे मत लगाओ, कृपया गौर से इस बात को भी सुनो। मैं आगे क्या कह रहा हूँ सुनिए जरा। हाँ। जी जी सुनिए। पेट्रोल की एक बूंद बनने में लाखों पेड़ों ने लाखों साल तक धरती के गर्भ में बलि दी है, तब पेट्रोल की एक बूंद तैयार हुई है। है कोई माइका लाल जो पेट्रोल की बूंद अब पैदा कर दे? तो इसलिए इसको व्यर्थ में ऐसे ही नहीं, हर कहीं थोड़ी सी दूर जाना मोटरसाइकिल पे चले। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस राम रथ को काम में लीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें अपना चंद योगदान दीजिए। कि आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले आप? सर, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार में आपको अयोध्या की दीपावली कैसी लगी? चूंकि दीपोत्सव है, इसके बाद दिवाली मनेगी, कैसी लगी? मुझे ऐसे लग रहा है जो मैं सपने में सोचता था कि स्वर्ग कहाँ है, यही अस्तो। कि यही स्वर्ग है, आपको लगता है कि यही स्वर्ग है जिसके बारे में लोग कल्पना करते हैं? बिल्कुल सर, यही स्वर्ग है। मैं जो ही वहाँ आगरा के पास उत्तर प्रदेश की इस धरती में जो ही प्रवेश किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले लोगों ने, पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि ये बाबा कहाँ से आया है, तो ये ऐसा स्वागत वो इस उत्तर प्रदेश की धरा का हर बंदा कर रहा था। सबका अभिनंदन मेरा राजस्थान से, सबका कोटि कोटि वंदन। आप लोग यहीं से हैं कि कहीं और से हैं? सर, यहीं से हैं। अयोध्या से हैं। आपका क्या नाम है? वैभव सिंह। वैभव, अगर हम अयोध्या की बात करें तो चूंकि देखिए ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों के बाद भगवान राम एक बार फिर से प्रतिस्थापित हुए हैं अपने मूल स्थान पर, तो अयोध्या वासियों के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। फिर भी आपसे मैं सवाल यहीं पूछूंगा कि पहले में और अब में क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? 2017 से पहले कैसी दिवाली यहाँ पर होती थी और अब कैसी दिवाली? जी, पहले के मुकाबले तो दीपावली बहुत अच्छी हो रही है। अब सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सुरक्षा वगैरह की, और बाकी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है आपकी, योगी सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? योगी सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्था है, ऐसे तो पहले होता भी नहीं था। अब की बार तो नव निर्माण हुआ राम मंदिर का, इसलिए ऐसे जब से योगी सरकार, भाजपा सरकार आई है, वो लगातार अयोध्या पे काम कर रही है और करती रहेगी जब तक उसकी सरकार रहेगी। ये जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है इसकी वजह से क्या बदलाव आपको दिखता है अयोध्या में? इसका क्या असर होता है, क्या फर्क नजर आता है कि ऐसे आयोजन के जरिए क्या अयोध्या और ज्यादा आगे जा रही है? बहुत ज्यादा आगे जा रही है, पूरे विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है, दूर दूर से टूर वाले आ रहे हैं, यहाँ महीनों महीनों रह रहे हैं, जहाँ कोई आता नहीं था
जहाँ कोई आता नहीं था, जिस अयोध्या कोई जानते नहीं थे, वहाँ आके एक एक महीने लोग रह रहे हैं, चाहे फुटपाथ पे रह रहे हैं, चाहे होटल में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ रह के यहाँ अयोध्या के बारे में जान के, अयोध्या नहीं इसके बगल जितने आरी बगल जिले हैं सब के बारे में, कहीं ना कहीं इधर दूर भरत कुंड है वहाँ भी इससे ऐसे इसी तरह से सजावट होती है। बिल्कुल एकदम योगी सरकार में कोई भी सरकार हो उसको अयोध्या पे काम करना चाहिए। कितने लोगों को रोजगार भी मिल गया है। ठीक है, चलिए आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर शिवंश नाम है मेरा, और एक्चुअली मैं ट्रैवलर हूँ, पिछले 9 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया। आगे रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से रहने वाले हैं, तो आप पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं? अयोध्या से पहली बार आया हूँ सर, नासिक से आ रहा हूँ अभी, मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 9 महीने से। आप ट्रैवल करके आ रहे हैं? हाँ, मेरे पास पूरा सेटअप है, मतलब 9 महीने से मैं घर से बाहर ही हूँ अब तक। कितने दिन हो गए आपको अयोध्या आए? अयोध्या सर आज ही पहुँचा था दिवाली के लिए, लेकिन बट एंट्री नहीं हो पाई मेरी पूरी अयोध्या। आप घूम भी नहीं? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, दिवाली के चक्कर में ही आया था मैं। ठीक है, फिर भी आपसे मैं, मेरा ये सवाल ये है कि आप यहाँ पर धर्म पथ पर हैं, मेरे ख्याल से आप राम की पैड़ी गए हुए थे, गए कि अंदर? अंदर तो मैं एंट्री हो नहीं पाई, लेकिन बाहर से देख रहा हूँ कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, लेकिन जो भी हो रहा है जो देखने को मिला अभी तक सब कुछ। पहली नज़र में अयोध्या कैसी लगी आपको? उस सम लगी अब तक तो। अच्छा, हाँ, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण परिवर्तन हो रहा है सर, अयोध्या में परिवर्तन हो रहा है। प्रयागराज में अगर जाएं तो आप, प्रयागराज में भी बहुत काम चल रहा है अभी, कुंभ की महाकुंभ चुकी है। हाँ, बहुत जोरों लेकर भी एक बहुत बड़ी तैयारी है। जी जी, बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अभी मैं 4 दिन रिसेंट में प्रयागराज में ही था, बहुत अच्छा हो रहा है डेवलपमेंट, बीजेपी के राज में कह सकते हैं। आप कहाँ से? आप लोग? मैं बाराबंकी से। बाराबंकी से? बाराबंकी से आप? मैं इंजीनियर आकाश द्विवेदी। अच्छा, तो आप तो बगल के जिले के हैं। जी, आते रहे होंगे? जी, आज तीसरी बार आए सर। बाराबंकी से होने के बाद भी तीसरी बार आ पाए? हाँ सर, ये सौभाग्य। पहले क्यों नहीं आते थे सर? पहले अयोध्या क्यों नहीं आते थे इस पर अब नहीं बोला जा सकता है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि 500 सालों के बाद ये शुभ मौका आया है, शुभ अवसर आया है कि लोग इस दिवाली को, इस त्यौहार को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, चूंकि इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या फ़र्क आपको दिखता है और क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर, इस वातावरण को लेकर जो इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर आपको देखने को? जैसा हमारा ही मोटो है, फ़र्क साफ है, फ़र्क साफ है। पहले के अयोध्या में और आपकी अयोध्या में फ़र्क साफ है। आप भी आए होंगे तो पहले अयोध्या आए होंगे और अब अयोध्या आए होंगे तो पूरा टोटली बदल चुका है अयोध्या। अयोध्या में जैसा लगता है कि भगवान राम आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। जय श्री राम। महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से जो है, पहले जो है जब 2012 हम यहाँ पर आए थे तो इतना ज़्यादा जगह जगह इतना पॉल्यूशन जो है, करोड़ों टन जो है यहाँ से मलबा निकाले गए 2012 में, देख लीजिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चलना, पैर रखना ऐसे मुश्किल था। अब लग रहा है सनातन धर्म के जो है स्वयं नारायण और माँ लक्ष्मी जगह जलनी स्वयं अब आ गए, क्योंकि सनातन जो है का पुत्र जो आ गया, ऐसा लग रहा है स्वयं माँ लक्ष्मी और जगत निरंतर भगवान अखिल कोटि ब्रह्मनायक भगवान स्वयं आ गए हैं। ऐसे अब लग रहा है कि वाकई में जो है दिवाली है और स्वयं भगवान नारायण आ गए हैं, राम जी। सब लोग उस उत्साह आनंद के साथ सभी मना रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब टूरिज्म प्लेस हो गया है। इसके पहले जो है अयोध्या का सिर्फ नाम ही नाम, थोड़ा बहुत तो सुना था लोगों ने, वही भर था, लोग आते नहीं थे। लेकिन बहुत ना लोग आते भी नहीं थे और उतना पहले प्रचलित नहीं था। पर आज के दौर में जैसे अयोध्या का नाम हो गया, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। मेरे ख्याल से किसी दूसरे राज्य से उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छा आपसे भी आऊँगा। देखिए मेरे साथ एक भजन गायक है। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, अयोध्या से ही हैं। देखिए मेरे साथ हैं अर्जुन या करण, अर्जुन है, करण अर्जुन दो भाई हैं और बहुत अच्छा भजन गाते हैं ये लोग। चूँकि अयोध्या, हालांकि रहने वाले ये लोग बिहार के हैं, लेकिन अयोध्या के एक आश्रम में रहते हैं और कुछ साल पहले इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, तब इन्होंने कई अच्छे भजन गाए थे। अर्जुन, आपको याद होगा कि हम लोग पहली बार चूँकि इसी घाट पर मिले थे और तभी तो आपको मैं देखते ही भीड़ में भी आपको पहचान लिया। अच्छा, हाँ जी। तो आजकल क्या हालचाल है? बढ़िया है और देख ही रहे हैं कितना सुंदर है अयोध्या, जगमगाती हुई दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या। वास्तव में ये अद्वितीय, अकल्पनीय है। हमने अपने जीवन में ऐसा तो महोत्सव नहीं देखा कहीं भी। बहुत सारे महोत्सव हुआ, बहुत हर जगह देश दुनिया में हुई, लेकिन मैंने जो ये देखा कहीं नहीं देखा। राजा भी देखा, महाराजा भी देखा, लेकिन मैंने राम जैसा राजा नहीं देखा।
हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जब अयोध्या में आ गए हैं तो उनके आने के बाद उत्सव भी महोत्सव में बनता जा रहा है। पहले तो होता भी था तो उत्सव होता था, लेकिन अब महोत्सव हो रहा है क्योंकि हमारे रामचंद्र जी मतलब इतना खास मौका है। और चूंकि आप तो राम भजन ही गाते हैं, राम भजन ना सिर्फ अयोध्या बल्कि कई जगहों पर आप कार्यक्रम भी करते हैं, और ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद की पहली दिवाली है, तो इस मौके के लिए क्या कुछ खास तैयार किया आप लोगों ने? खास तैयार किया है कि हम तो भगवान के लिए ही समर्पित हैं, हम लोग तो बस एक चाहेंगे दो लाइन में हम भगवान को सुनाएंगे। लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, शोभा गजब बनी, सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। अरे आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। तो आप जो सूर्य भगवान का स्तंभ देख रहे हैं, साक्षात ये दैदीप्यमान सूर्य भगवान भगवान रामचंद्र के महोत्सव को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राम जी का जब जन्म हुआ था उस समय सूर्य भगवान एक महीने तक अपने रथ के साथ एक ही जगह पे स्थगित हो गए थे। सूर्य कुंड में आप गए होंगे, सूर्य कुंड में भगवान रामचंद्र वहीं पर बड़ा कुंड, हाँ जी, आज भी लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने। तो सूर्य भगवान के यहाँ साक्षी बन करके इस महोत्सव के साक्षी बने हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान रामलला की असीम कृपा आप सभी न्यूज नेशन के सारे दर्शकों पे, आप सभी भाइयों पे भी बनी रहे, ऐसे मंगल कामनाएं करते हैं। क्योंकि सहली सारी यातना कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान रामचंद्र जी हमें संघर्ष कैसे करना चाहिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते भी आने के बाद भी हमें समान रूप में कैसे रहना चाहिए, भगवान राम से हमें सीखना चाहिए, ये हमारे रामचंद्र जी से ही सीखना चाहिए। तो हमारे साथ पंकज जी है गोंडा से, ये भी बहुत अच्छे भजन गायक है, आपके द्वारा भी एक भजन सुनाइए जी। सभी को जय जय सियाराम, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अयोध्या को माननीय मोदी और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने दुल्हन की तरह श्री धाम अयोध्या को सजा दिया है, और देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे रामलला सरकार की प्रथम दीपावली है और ऐसा दिव्य भव्य सजाया गया है कि अयोध्या को आज देखकर ऐसा लग रहा है कि अयोध्या का आनंद ही अलग है। पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सभी लोग अयोध्या आएँ और रामलला का हमारे दर्शन करें। फिर रामलला के चाहें जी सुनाना चाहते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामलला से यही कृपा निवेदन करना चाहते हैं कि रामलला अपने चरणों में सदैव हम सबको लगाए रखें, और सभी देशवासियों को दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पहली दीपावली भी आ गई, ये पहला दीपोत्सव है जी, जी, जी। तो किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? एक गीतकार ने किसी ने कहा है कि कल भी वही मैं भी वही, कि सब कुछ लागे नया नया, सब कुछ लागे नया नया। चूँकि पहली दिवाली है और इस दिवाली पर जो उल्लास मन में दीप जलाए गए हैं 25 लाख के पूरे अनुशासन के साथ, हर आदमी खुशी की लहर में, कहीं किसी पर शिकवा कोई शिकायत नहीं, हर आदमी प्रफुल्लित है इस दीपावली पर, और प्रभु राम जी की कृपा से यहाँ आ पाता है। अगर आपने प्रभु बुलाया न होता, अगर आपने प्रभु बुलाया न होता, तो मैं भी अयोध्या आया न होता, अगर आपने प्रभु बुलाया न होता। और संसार में सहारे वैसे बहुत हैं, लेकिन केवल एक विश्व में एक सहारा है, वो श्री राम का सहारा, सबसे बड़ा सहारा श्री राम का सहारा,
सबसे बड़ा सहारा, आ जाओगे शरण में मिल जाएगा किनारा।